अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायका विद सहर किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ ज़बरदस्त सा हरा भरा आलू का भुर्ता, जिसके लिए मैंने 6 आलू लिए हैं। उनको बॉईल कर लिया है, थोड़ा हार्ड बॉईल किया है। यहाँ मैंने 2 बंच हरी प्याज लिए हैं, उसके पत्ते मैंने अलग काट लिए हैं। 5 ग्रीन चिलीज ली हैं, उनको चॉप कर लिया है। हरी प्याज की जो ऊपर की प्याज थी वो मैंने अलग काट ली हैं। 5 लहसुन के जवे लिए हैं, वो मैंने चॉप कर लिए हैं। 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है। 2 टेबल स्पून इमली का पेस्ट जाएगा इसमें। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू को मैंने मैश कर लिया है। यहाँ पर मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है, इसमें ज़ीरा और लहसुन शामिल कर रही हूँ। ज़ीरा हमारा क्रैकर हो चुका है। अब जो हमारी प्याज थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जब तक हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही थी, हमने आलू में तमाम स्पाइसेस ऐड कर लिए हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़े हरी प्याज के पत्ते मैं इसमें अभी ऐड कर रही हूँ, थोड़े मैं बाद में ऐड करूँगी। यहाँ पर सारे स्पाइसेस हमारे मिक्स हो चुके हैं, यहाँ प्याज भी हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी और 15 मिनट्स के लिए इसको ढक के पकाऊँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। यहाँ 15 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने चेक किया और हमारा भुर्ता बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितना झटपट और ज़बरदस्त सा हरा भरा भुर्ता हमारा तैयार है। आप इसे घी की रोटी या पराठे से खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।